बरखा जी का फोन आया कि पुरुष दिवस मना रहे हैं, तो मैं तभी समझ गया था कि पुरुषों की क्या स्थिति है। किसी पुरुष में हिम्मत नहीं हुई पुरुष दिवस मनाने की, तो ये मैं बधाई देता हूँ। मुझे पहली बार पता लगा कि पुरुष दिवस भी होता है, पहला ये आखिरी भी समझो। बहुत मुश्किल काम है जी पुरुष दिवस, महिला दिवस ही सुना था हमने करता, लेकिन बरखा जी की हिम्मत है कि उन्होंने ये करके दिखाया। क्योंकि पुरुष की स्थिति तो आप जानते हैं क्या है, वैसे तो हर जगह वही स्थिति है, कहीं भी हो चाहे। अभी वो बख्शी साहब चले गए, ये जब पुलवामा वाला मामला हुआ था तो कुछ युद्ध के हालात बन रहे थे, तो सुपर सिक्योरिटी जोन बनाए जाते हैं कुछ ऐसे मिलिट्री के एरिए जहाँ बहुत जरूरी कागजात रखे जाते हैं, एयरफोर्स के ऐसे स्टेशन बनाए जाते हैं। तो ऐसे एक सुपर सिक्योरिटी जोन में एक प्लेन जो है लैंड कर गया, मिलिट्री ने घेर लिया। तो उसने बताया जी मेरा तो फ्यूल खत्म हो गया था, तो मेरे मजबूरी में मैं उतरा। तो बोले सुपर सिक्योरिटी जोन है, यहाँ उतरना ठीक नहीं है और ये बहुत खतरा हो सकता है, देश के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। पूरी रात उसे बिठाए रखा, जाँच की कि कहीं आतंकवादी तो नहीं है, कहीं और कुछ तो नहीं है, दुश्मन का जासूस तो नहीं है। जब पूरी तरह तस्वीर होगी तब उसे अगले दिन छोड़ा, ये कहके छोड़ा कि आगे से कोई भी स्थिति हो यहाँ मत उतर जाना, वरना जीवन भर के लिए जेल में चले जाओगे। ठीक अगले ही दिन वही पायलट उसी जहाज में एक और सवारी के साथ फिर वहीं उतर गया। वो मिलिट्री ने घेर लिया, बोले कल उतर को समझाया तो बोले जी आपको जो कुछ करना है मेरे साथ कर लेना, लेकिन प्लेन में मेरी पत्नी बैठी है, इसे बता दो कल रात में कहाँ था। लेकिन मैं बधाई देता हूँ आयोजकों को कि उन्होंने इतनी हिम्मत का काम किया, वरना स्थिति तो महिलाओं की है सब जगह, आप जानते हैं महिलाएं ही हैं चारों तरफ। एक लाल रंग की लिपस्टिक के भी इतने नाम बता दे, ये वाला रेड वो वाला रेड, और पुरुष इतना सीधा होता है बेचारा कंडीशनर से नहा के आ जाए तो घर सारे दिन सोचते रहते हैं बिना जाने वाला साबुन बोल देगा। लेकिन ऐसे में आपने ये हिम्मत दिखाई है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। पुरुष की स्थिति तो यही है, वो एक 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तर बतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा, बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया, और बोले तू के सोचे इस तूफान में मेरी माँ भेजे मैं दही लेकर। पुरुष को तो दही लानी पड़ती है, कुल मिला के ये स्थिति है। लेकिन आपने जो हिम्मत की है मैं आपके साथ हूँ, पर पत्नी से पूछ के जा सकता जैसे आप मैं पूछ के ही आया ऐसी स्थिति में भी, और पुनः इतने विद्युत जन यहाँ बैठे हैं, हमने पूरा भारत का इतिहास अभी भी सुन लिया है, तो मैं बहुत आभारी हूँ। और इतनी बढ़िया सभा में आपने आमंत्रित किया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया, नमस्कार। नहीं, हरियाणा के आदमी को तो हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता जी, हम बहुत सहज हास्य में जीने वाले लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले ही घटना में दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, रेड लाइट पर खड़ा था, वो बत्ती कब हरी हो गई मुझे ध्यान दे रहा, तो सोच रहा हूँ तो एक मोटरसाइकिल आई घूमघाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी भी होगी वो। हम तो हास्य में रहते हैं हर स्थिति में। इतने न्यायाधीश बैठे, मैं आपको एक न्यायालय घटना हो बता दूं, क्योंकि हरियाणा का भी मन का साफ होता है, जो मन में वो जबान पे, वो एक मुकदमा चल रहा था सर, एक ताई का भाई भी आएंगे, अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के, तो पहले वकील ने पूछने बोले ताई मुझे जाना है, खूब जाऊं हूँ गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई चक्कर छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील संग रह गया, उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूँ कन्याल गाने का छोरा है, जो एक नंबर का याश, तेरे लुगाई से भी इसका चक्कर था।
सर जज ने कोर्ट सर साहब ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैंबर में गए, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। थैंक यू सो मच अरुण जी एंड द नेक्स्ट।